हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है, समर से हटके है। आज हम बात करेंगे विंटर रॉबिन प्लांट की, जिन्हें आप सीड से लगा लें। अभी अगस्त सितंबर में, अगस्त लास्ट चल रहा है और सितंबर में तो हर हाल में ही आपको इन्हें लगा लेना है। तो पहला प्लांट आ जाता है हमारा डेंथस या कॉर्नेशन। इसके सीड्स भी आपको ख़रीद लेने हैं और लगा देने हैं। मैंने इसे सेव किया है सर्दियों से और बरसात में मैंने इसे सेव करके रखा हुआ है। तो बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है डेंथस और कॉर्नेशन। है तो डेंथस फैमिली का ही वो, और कॉर्नेशन थोड़ा रोजी टाइप उसके फ्लावर होते हैं। तो दोनों ही प्लांट्स के सीड ऑनलाइन मंगा लें या किसी सीड शॉप से खरीदने पर ये ध्यान रखें कि सीड्स अच्छे क्वालिटी के हों, कभी भी बेकार सीड्स ना खरीदें और कोशिश करें कि खुद से सीड्स कलेक्ट करें। जो सीड्स आप खुद से कलेक्ट करेंगे उन सीड्स की बात ही अलग होती है और जर्मिनेशन भी उनका 80-90% रहता है। तो फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को आप सीड से इजीली इस समय ग्रो कर लें, क्योंकि अब बारिश भी कम हो गई है और ज़्यादा बरसात भी नहीं होगी, क्योंकि सितंबर में तो हम वैसे भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स लगा ही लेते हैं। तो आप जल्द ही इन सीड्स को लगा लें। फ्रेंड्स, अगला प्लांट आ जाता है ये हमारा डॉग फ्लावर, जिसे मैंने सेव किया है। सर्दियों में मैं इसे लेके आई थी, तो इसमें इस टाइम सीड्स बन रहे हैं या कोशिश करें कि सर्दियों में ही उन्हें कलेक्ट करके रख लें। तो इसे मैंने सेव कर लिया है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इस टाइम फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि बरसात की वजह से थोड़ा सा इसमें देखिए थोड़ा सूखापन सा आया है, पर सूखा नहीं है। तो कम पानी देते हैं तो अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है बरसात में भी। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप जल्दी से लगा लें। फ्रेंड्स, अगला प्लांट आ जाता है हमारा गेंदा या मारीगोल्ड। मारीगोल्ड को भी आप इस समय लगा लें और जल्द से जल्द लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके सीड्स इस समय आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने गेंदे लगाए हुए होंगे, जैसे कि मेरे पास हैं, तो मुझे इसके सीड्स मिल जाएंगे। और या आप इसे नर्सरी से ले आएँ अगर तैयार पौधा चाहते हैं, तो नहीं तो सीड से लगाना चाहते हैं तो अभी ही लगा लें। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है हमारा ये विंटा या सदाबहार। इसे भी आप इस समय सीड से लगा लें, काफ़ी अच्छे इसकी सीड्स की ग्रोथ होगी, जर्नेशन अच्छा रहेगा। इस टाइम इस पर सीड स्पॉट भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो देखें, मेरे इस प्लांट पे भी ये सीड पॉट्स बनने लगे हैं। तो इसे भी आप इस समय सीड से लगा लें। 12 महीने फूल देता है, क्योंकि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जनवरी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा कोहरा आता है उस टाइम, तो वो भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, उसी समय ये भी फ्लावरिंग नहीं करता है और 12 महीने फूल देता है। तो इसे तो आप लगा ही लें, इसके सीड्स खरीद के जरूर इसे लगाएं। हाइब्रिड वैरायटी लगाएं चाहे देसी वैरायटी लगाएं, कटिंग से भी ये लग जाता है। अगला प्लांट है ये गोफरेना। ये मेरा लाइट पिंक कलर वाला गोफरेना है, एक डार्क पिंक कलर में भी आता है। तो आप इसे भी इस समय सीड से लगा लें और ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है, तो विंटर के लिए भी इसके पौधे तैयार कर लें। अगला प्लांट है हमारा ये अपराजिता 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। तो आप इसे भी इस समय सीड से लगा लें, इसके सीड पॉट्स इस टाइम बन रहे हैं इसमें, क्योंकि फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही है। तो सर्दियों भारी फ्लावरिंग करेगा, बस जनवरी में नहीं करेगा, तो आप इसे भी इस समय तैयार कर लें। फ्रेंड्स, आप इस समय गुलाब के सीड्स भी मिल जाते हैं, गुलाब को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं या कटिंग से इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो सर्दियों भर आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, अगला प्लांट हमारा आ जाता है क्रिस्टेंथिनम या गुलदावरी। तो आप इसे भी इस समय कटिंग से भी लगा सकते हैं या इसे सीड से भी लगा सकते हैं, आपके गार्डन में बम्पर फ्लावरिंग ये सर्दियों में करेगा। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है ये हमारा क्लाइंचो या कैलनकुई। इसे भी आप इस समय कटिंग से तैयार कर लें। अगर आप सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट तैयार करना चाहते हैं, तो इसे जरूर तैयार करें और ये आपके गार्डन को बम्पर फ्लावरिंग सर्दियों में देता रहेगा। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है हमारा ये हिबिस्कस का। तो हिबिस्कस को भी आप इस समय कटिंग से तैयार कर लें, तो पूरी सर्दियों में आपके गार्डन में ये बम्पर फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है हमारा गजानिया। गजानिया को भी सीड से इस टाइम आप तैयार कर लें, पूरी सर्दियों आपके गार्डन में ये बम्पर फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, अगला प्लांट आ जाता है ये फ्लावरिंग प्लांट है कैलेंडुला। कैलेंडुला को भी आप इस समय तैयार कर लें, वो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगला प्लांट आ जाता है पिटोनिया। पिटोनिया को भी आप इस समय सीड से तैयार कर सकते हैं और आपके गार्डन में खूबसूरत फ्लावरिंग करता रहेगा। अगला प्लांट आ जाता है ये हॉलीहॉक। हॉलीहॉक भी सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है, पूरी सर्दियों आपके गार्डन को खूबसूरत फूलों से भर के रखेगा। तो इसे भी आप इस समय सीड से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्लांट आ जाता है हमारा लक्सपुर। लक्सपुर के बहुत ही खूबसूरत यूनिक से सीड्स होते हैं, तो आप इसे भी इस समय लगा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। और अपने गार्डन को फूलों से भरने के लिए इसके बहुत सारे कलर और अलग अलग कलर्स में भी खिलते हैं। आप सीड से आप इसे लगाएं, अलग अलग कलर के यूनिक से फ्लावर और बहुत ही खूबसूरत के लगते हैं। अगला प्लांट आ जाता है प्राइमुला। प्राइमुला को भी आप इस समय सीड से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और बिग साइज में इसमें फ्लावर आते हैं। तो इसे भी आप सीड से इस समय लगा लें, आपके गार्डन को खूबसूरत फूलों से भर के रखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ वैरायटियां फ्लावरिंग प्लांट की, जिन्हें आप इस समय बीज से या कटिंग से तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।